सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और अनबॉक्सिंग किसकी करने वाला हूँ वो आपने नीचे टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी देर से मैं एक अपने लिए छोटा सा टैंक बैग सोच लो, आपकी कैरी बैग सोच लो, कि बैकपैक सोच लो, कुछ भी सोच लो, वो काफ़ी देर से मैं सर्च कर रहा था। तो मुझे ना तो वो राइनॉक्स की वेबसाइट पर मिल रहा था, ना तो किसी और वेबसाइट पर मिल रहा था। तो फाइनली मुझे वो मिला, काफ़ी सारी वेबसाइट थी जहाँ पर ये अवेलेबल था बट आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने क्या किया था, नोटिफाई मी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे मेल डाल दिया था, ताकि फ्यूचर में कभी अवेलेबल होगा तो वो मुझे नोटिफिकेशन भेजेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली वो मुझे नोटिफिकेशन आया मोटो सेंट्रल की तरफ से। तो थैंक्स मोटो सेंट्रल फॉर द प्रोडक्ट। तो फाइनली क्या हुआ कि मैंने वहाँ से जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने फिर वहाँ से अपना ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। तो फाइनली आज अभी आया है तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको मेरा न्यू गैजेट ही समझिए आप। तो फाइनली गाइस, ये है बॉक्स मोटो सेंट्रल की तरफ से। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की हुई है, टेपिंग कर रखी है यहाँ पे मोटो सेंट्रल की। बट जो अंदर का मुझे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिखा हुआ स्टड, वो साइड में मैं पढ़ पा रहा हूँ स्पेयर वाइजर फॉर हेलमेट स्टड्स। अब देखते हैं कि ये पैकिंग के लिए इन्होंने बॉक्स यूज़ कर रहा है कि इसमें, खोल के देखते हैं इसको कि एक्चुअल में इसमें क्या है। जो मैंने ऑर्डर कर रखा है वही है, राइनॉक्स का टैंक बैग, नेविगेटर या कुछ और। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें राइनॉक्स का बैग ही होगा, बैग ही निकल रहा है यहाँ से। काफ़ी देर से मैं इसको सर्च कर रहा था, ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पे था राइनॉक्स की, ना तो किसी और वेबसाइट पे मिल रहा था, ना ही ऑफलाइन, ना तो ऑनलाइन स्टोर में कहीं मिल ही नहीं रहा था ये। और फाइनली मुझे ये रिसीव हो गया थैंक्स टू मोटो सेंट्रल। तो गाइज, अगर आपको परचेज़ करना है ये तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ राइनॉक्स नेविगेटर 3.0। लुक्स प्रीटी मच कूल। और बॉक्स में मुझे मिला है इसके साथ ये कुछ मोटो सेंट्रल के कार्ड्स, कुछ उनके एड्रेस के एजेंसीज के कार्ड हैं, और एक ये टीम मोटो सेंट्रल का एक स्टिकर, और साथ में मुझे मिला है ये कीचेन मोटो सेंट्रल लोगो के साथ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। ये स्टिकर यूज़ करेंगे हम हेलमेट पे या बाइक पे, कहीं पे तो यूज़ करूँगा इसको मैं। तो गाइज, फाइनली ये है मेरा बैग राइनॉक्स की तरफ से, जो कि मुझे मिला है 2200 का मोटो सेंट्रल पे, और क्वालिटी कोई मिसमैच नहीं है, एकदम रफ क्वालिटी, टफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है। तो चलिए अब इस बैग को ओपन करके देखते हैं। ये फ्रंट में आपको मिलता है एक ट्रांसपेरेंट जिप लाइन, जिसमें आप मोबाइल को इसमें फिट कर सकते हैं, तो वाइल राइडिंग यू कैन नेविगेट थ्रू मोबाइल यूजिंग गूगल मैप्स और एनी अदर मैप्स। और इसके अंदर में कंपार्टमेंट में मिलता है हमें कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप अपने पेंस कुछ रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, केबल्स भी आप इसमें रख सकते हैं। और साथ में हमें मिले ये दो पाउचेस, यहाँ भी आप अपने कार्ड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और साथ में आप अपने डाटा केबल्स कुछ रख सकते हैं इसमें। और इसके साथ हमें मिले हैं ये कुछ स्ट्रैप्स, अब ये मैं लगा के देखता हूँ कैसे हैं कैसे नहीं, कहाँ पे यूज़ होंगे ये भी देख लेते हैं। और उसके साथ में हमें मिला है ये राइनॉक्स का इस बैग के लिए रेन कवर, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और अंदर से भी ये
वाटरप्रूफ है टोटली, इसको रखते हैं साइड पे। तो ये है हमारा मेन बैग, इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर्स, तो काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी हार्ड क्वालिटी का है। और ये 600D कुछ फैब्रिक करके आता है इसका। तो ये साथ में आपको दो कंपार्टमेंट मिलते हैं साइड पे, जिसमें आप अपना कुछ इजी एक्सेस के लिए, क्विक एक्सेस के लिए सामान रख सकते हैं साइड्स पे, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ अदर कंपोनेंट्स हो गए जैसे, वो आप रख सकते हैं यहाँ पे बहुत आराम से। और आपको बॉटम में एक कवर, बॉटम में भी आपको ये एक मिलता है कंपार्टमेंट, इसमें भी आपको अपना कुछ छोटा मोटा सामान यूज़ कैरी कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसको हम बाइक पे कैसे यूज़ करेंगे, टैंक बैग लगाएंगे कैसे। तो उसके साथ हमें मिलते हैं ये आर्म बैग के, जिसमें दे रखे हैं आपको मैग्नेट्स, जो कि बाइक के ऊपर काफ़ी इजीली स्टिक हो जाते हैं। और पावर कितने पावरफुल है ये आप यूज़ करेंगे इस पर, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट। तो बाकी यार क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, राइनॉक्स इज़ राइनॉक्स। तो आइए अब बात कर लेते हैं जो इसके साथ स्ट्रैप्स मिले हैं। सबसे पहले इस स्ट्रैप की बात करते हैं, ये स्ट्रैप आपको एज ए स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हैं आप इसको, जब इसके साथ इस स्ट्रैप के साथ इस बैग को अटैच करेंगे तो आप एज ए स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, साइड बैग लेके जा सकते हैं आप इसको काफ़ी इजीली। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से आप इस लॉक को इसमें डालेंगे इस तरीके से, और सेम दूसरी तरफ से भी आप इसको इस तरह से लॉक करेंगे, और ये बैग कैरी करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको काफ़ी इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको बैकपैक यूज़ करना है एज ए बैकपैक, तो नॉर्मली आप ये स्ट्रैप्स निकाल देंगे। और उसके बाद जो अदर स्ट्रैप्स हमें मिले हुए हैं, ये हमें 3 स्ट्रैप्स मिले हैं। तो ये जो 2 स्ट्रैप्स हैं, एक ये वाला इस लॉक के साथ आता है, ये वाला और ये वाला, आप इसे इसके साथ लगा के एज ए बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा एक दे रखी है, तो कहीं यूज़ करना हो तो आप इसको भी यूज़ कर लें। तो इस बैग में यहाँ दे रखा है राइनॉक्स का रेडियम वाला लोगो, दोनों तरफ पे है, यहाँ भी है राइनॉक्स का रेडियम वाला लोगो जो भी शाइन करता है अंधेरे में। और ये पीछे लेदर तो नहीं है, लेदराइट है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जो कि टैंक अपना बाइक के ऊपर रखा हुआ, फिक्स किया हुआ जब टैंक के ऊपर, तो वो स्लिप नहीं करेगा, बाकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और थैंक्स टू राइनॉक्स एंड थैंक्स टू मोटो सेंटर। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, कैसी लगी अनबॉक्सिंग, और जब मैं इसको अपना बाइक के ऊपर फिक्स करूँगा तो उसका वीडियो अलग से बनाऊँगा। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।